हेलो एवरीवन, लेर्थ एजुकेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम वाणिज्य से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जो आपके एग्ज़ाम, अपकमिंग एग्ज़ाम जो है ग्रुप टू, उसमें जो आपने अकाउंटेंट और लेखापाल जो है उसकी वैकेंसी से रिलेटेड हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए हम बिना समय वेस्ट करें फटाफट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने देखिए है कि आयातक निर्यातक कोड संख्या आवंटित की जाती है, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि ये किसके द्वारा आवंटित की जाती है। तो आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, IDBI द्वारा, एग्जिम बैंक द्वारा, DGFT द्वारा या फिर JCCI&E द्वारा, ठीक है। तो आपको बताना है कि यहाँ पे इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका जो फुल फॉर्म होगा DGFT का, वो होगा डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। चलिए अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, एग्जिम बैंक की स्थापना किसके लिए की गई थी। तो एग्जिम बैंक जो है, इसकी स्थापना जो एग्जिम बैंक होता है अपना, ये देखिए एग्जिम, तो ये होता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट, ठीक है। तो इसलिए इसकी जो स्थापना की गई थी ये किसके लिए की गई थी, ये विदेशी व्यापार में वृद्धि के लिए की गई थी। तो ये आपको याद रखना है कि एग्जिम बैंक की स्थापना विदेशी व्यापार में वृद्धि के लिए की गई थी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित वस्तुओं में से किसकी मांग की कीमत लोच सबसे कम होती है। तो ये होती है आपके नमक की, ठीक है। नमक के भाव में अगर वृद्धि भी हो जाती है या कमी भी हो जाती है तो इसकी मांग में कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। अगर ये इसके भाव कम हो जाएंगे या ज़्यादा हो जाएंगे तो लोग उतना ही इसको लेना पसंद करेंगे। तो इसकी मांग की कीमत लोच सबसे कम होती है। चौथा क्वेश्चन है, लेखा मानकों की आवश्यकता हुई है जनता की मांग पर प्रबंधकों के स्वनिर्णय के कारण, लेखों में एकरूपता के लिए और संस्था में लाभ कम होने के कारण। तो लेखा मानक जो हुए, जैसे आपने पढ़े होंगे S1 S2 लेखा मानक, तो इनकी जो आवश्यकता हुई है ये लेखों में एकरूपता के लिए हुई है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन आपके कॉमर्स रिलेटेड हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है ताकि आपके अच्छे से नंबर कवर हो जाएँ। इनमें अधिकतर क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत बोनस अंकों के निर्गमन द्वारा लाभ का पंजीकरण करने का प्रावधान रखा गया है, तो उसकी धारा जो है वो क्या है। आपके ऑप्शन हैं 201, 205, 203 और 203(5), ठीक है। ये इस टाइप से आपको बताना है कि इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब होगा 205(3), ठीक है। वैज्ञानिक प्रबंधक का पिता जो है वो किसे कहा जाता है, FW टेलर, हेनरी फेयोल, लूथर गुलिक या लॉरेंस एपले। आपको बताना है इसका सही जवाब। तो इसका सही जवाब होगा FW टेलर, ठीक है। चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पर, बैंक साख पत्र किसके पक्ष में निर्गमित करता है। ये जो बैंक होता है ये साख पत्र किसके पक्ष में निर्गमित करता है, तो इसका सही जवाब होगा आपका ग्राहक, ठीक है। ये ग्राहक के पक्ष में निर्गमित करता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि भारत में प्राथमिक एवं द्वितीयक बाजार कौन नियंत्रित करता है, ठीक है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा सेबी, ठीक है। भारत में प्राथमिक एवं द्वितीयक बाजार जो है वो सेबी नियंत्रित करता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, टीमिंग व लेडिंग शब्द का प्रयोग किसके लिए होता है। तो मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर टीमिंग और लेडिंग शब्द का जो प्रयोग होता है ये होता है आपके रोकड़ में गबन के लिए, ठीक है। रोकड़ की जो गबन होती है, गबन से मतलब यहाँ पे होता है रोकड़ को चुराना, रोकड़ से मतलब होता है कैश, ठीक है। तो कैश को चुराने के लिए टेमिंग व लेडिंग शब्द का प्रयोग किया जाता है। BEP क्या दर्शाता है। BEP का फुल फॉर्म होता है ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है। तो BEP क्या दर्शाता है, तो यहाँ पर आपको बता दूँ मैं कि BEP जो होता है वो दर्शाता है ना तो लाभ ना हानि, मतलब कि एक ऐसा पॉइंट जिस पे नो प्रॉफिट और नो लॉस होता है, कोई प्रॉफिट कोई नहीं, मतलब एक संतुलन की अवस्था। तो इसको हम बोलते हैं BEP, ब्रेक इवन पॉइंट। तो ये दर्शाता है ना लाभ ना हानि। अगला देखिए, दो देशों के मध्य व्यापार होता है, क्यों होता है। तो वो इसलिए होता है कि एक तरह से, जैसे यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए गए हैं आप पढ़ सकते हैं, कि पहला ऑप्शन वस्तुओं की दुर्लभता, लागतों में समान अंतर, लागतों में निरपेक्ष अंतर, लागतों में तुलनात्मक अंतर। तो यहाँ इसका सही जवाब होगा लागतों में तुलनात्मक अंतर, इसके लिए दो देशों के मध्य व्यापार होता है। अंशधारियों के प्रति कंपनी सचिव का दायित्व कैसा है,
तो अंशधारियों के प्रति जो कंपनी सचिव का जो दायित्व रहता है वो वैधानिक होता है। तो इसका जो सही जवाब होगा आपका वो होगा स। ठीक है, अगला देखिए 13वां क्वेश्चन, कार्यालय एवं प्रबंध से संबंध रखने वाली कौन सी प्रणाली कहलाती है। ठीक है, ओ ए और एम प्रणाली, ए और ओ प्रणाली, एक्स और वाई प्रणाली और एम और वाई प्रणाली। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा आपका ओ और एम प्रणाली। ठीक है, आंतरिक अंकेक्षण क्या होता है, तो ये एक तरह से आंतरिक अंकेक्षण जो होता है ये आपका होगा आंतरिक नियंत्रण का अंग। ठीक है, आंतरिक नियंत्रण का अंग। और लास्ट क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट, विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका सही जवाब होगा आपका जेनेवा में। ठीक है, तो जेनेवा में जो है इसका मुख्यालय है। तो ये 15 क्वेश्चन आपको आई थिंक अच्छे समझ में आ गए होंगे, और इसी तरह की वीडियो लेके मैं जल्दी आपके सामने आता रहूँगा। और मैंने इंग्लिश के भी बहुत सारे वीडियोज़ अपलोड किए हैं आपके ग्रुप 2 और 4 के एग्ज़ाम के लिए, तो वो आप चैनल पर जाके देखते रहिए। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए ताकि आपको ग्रुप 4 और 2 के अधिक से अधिक क्वेश्चन मिल सके। थैंक यू वेरी मच।